Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to do some important MCQs based on the topic microbial growth. Okay, बिना time waste करते हुए चलो जल्दी से start करते हैं. तो हमारा first question है, the portion of growth curve where rapid growth of bacteria is observed is known as. Growth curve याद है सबको कैसे बनता है? ऐसे 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 ऐसे. ठीक है. This one is called lag phase. This phase is called exponential phase or log phase. This phase is stationary phase and this phase is decline phase. ठीक है. I hope सबको इतना पता होगा bacterial curve के बारे में. ठीक है. और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं microbial growth पे जो video बनाई थी उसका link मैं नीचे description box में provide कर दूंगी. आप जाके उसे check कर लेना. ठीक. तो अब देखो उसने question क्या बोला है. उसने question बोला है कि रैपिड ग्रोथ बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व के किस पोर्शन में देखने को मिलती है. तो रैपिड ग्रोथ आपको कहाँ दिख रही है? देखो यहाँ पे तो कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही. ठीक है. फिर यहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रही है लॉग फेज में, क्योंकि बैक्टीरिया लैग फेज में क्या करता है, खुद को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है. ठीक है. और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आती है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉग फेज. ठीक है. इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन फॉलोज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन की जब ग्रोथ होती है तो क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करती है? सो दैट्स ट्रू. हाँ, बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लैग फेज इज ऑल्सो नोन एज. लैग फेज को हम और क्या बोलते हैं? देखो, दिस इज द लैग फेज, दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज, दिस इज स्टेशनरी फेज एंड दिस इज डिक्लाइन फेज. ठीक है. तो लैग फेज को हम और क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट, ट्रांजिशनल पीरियड, जनरेशन टाइम, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ. सो लैग फेज में जो बैक्टीरिया है वो खुद को क्या करता है? इनिशियली एडजस्ट करता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जनरेशन टाइम फॉर ई कोलाई इज. ई कोलाई का जनरेशन टाइम क्या होता है? 20 मिनट्स, 35 मिनट्स, 2 मिनट्स, 13 मिनट्स. सो अकॉर्डिंग टू यू करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? एंड द आंसर इज 20 मिनट्स. ठीक है. जो बैक्टीरिया ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम होता है वो कितना होता है? 20 मिनट्स. अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो जो ई कोलाई है वो 15 से 20 मिनट्स तक ले लेता है. ठीक है. डिवाइड होने में समझ आ गया. अगर कहीं पे आपको ये 15 से 20 मिनट्स भी दिखे तो भी ऑप्शन करेक्ट है. 20 मिनट है तो भी ऑप्शन करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रोथ. इसमें से कौन सी फेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं ग्रोथ के टाइम पर? स्टेशनरी फेज में, डेथ फेज में, लॉग फेज में, लैग फेज में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेशनरी फेज. क्यों होते हैं? क्योंकि सेकेंडरी फेज में ही क्यों सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सॉरी, स्टेशनरी फेज में ही क्यों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे यूटिलाइज हो चुके होते हैं. ठीक है. डिक्लाइन फेज में तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल से खत्म हो जाते हैं, बट स्टेशनरी फेज में वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो चुके होते हैं. इसलिए उस सेकेंडरी फेज, सॉरी, स्टेशनरी फेज में क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फेज शोज द रिप्रोडक्शन रेट इक्वल टू द इक्विवेलेंट डेथ रेट. कौन सा फेज है जो रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट दोनों ही शो करता है? मतलब उसमें सेल डिवाइड भी हो रही है, मतलब कि ग्रोथ भी हो रही है, साथ ही साथ डेथ भी शो हो रही है बैक्टीरियल सेल की. तो ऐसी कौन सी फेज है जो दोनों दिखाती है? लॉग फेज, लैग फेज, सॉरी, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज और लैग फेज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टेशनरी फेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ग्रो बैक्टीरियल कल्चर कॉन्टिन्यूसली. इनमें से कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड यूज होता है बैक्टीरियल कल्चर को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करवाने के लिए? कीमोस्टैट, हीमोस्टैट, कॉल्टर काउंटर,
टर्बिडोस्टैट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कीमोस्टैट। कीमोस्टैट क्यों? क्योंकि इसमें जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम लोग डालते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक, सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज कीमोस्टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज साइज ऑफ सेल्स इन एक्सपोनेंशियल फेज इज। एक्सपोनेंशियल फेज में जो सेल्स का एवरेज साइज होता है, एक्सपोनेंशियल फेज इट मीन्स दिस ग्रोइंग फेज, ठीक है, जिस टाइम बैक्टीरिया का डिवीजन हो रहा होता है, डिवाइड कर रहे होते हैं वो, तो इस टाइम पे जो बैक्टीरियल सेल का एवरेज साइज होता है वो कैसा होता है? लार्जर देन द इनिशियल साइज, स्मॉलर देन द इनिशियल साइज, इक्वल टू द इनिशियल साइज, मे बी स्मॉलर और लार्जर देन द इनिशियल साइज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉलर देन द इनिशियल साइज। लैग फेज में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो उस टाइम पे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहा होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें कल्चर मीडिया में होते हैं उन सबको इनटेक कर रहा होता है, तो साइज क्या होता है, ग्रो होता है। जब साइज ग्रो होता है तो बैक्टीरिया जो है वो नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज। ड्यू टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की वजह से उसमें उसका जो साइज होता है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए इनिशियली जो बैक्टीरियल सेल है उसका साइज बड़ा होता है, और एक्सपोनेंशियल फेज में जब वो डिविजन करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पे उनका जो साइज है सेल का वो कैसा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। इन द ग्रोथ इक्वेशन n इज इक्वल्स टू 3.3, n स्टैंड फॉर, ग्रोथ इक्वेशन में n दी हुई है 3.3, तो ये n क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, कॉन्स्टेंट ग्रोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ जनरेशन c। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज आप लोगों को मजा आया होगा मेरे साथ प्रैक्टिस करने में। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट लाइक बटन। थैंक यू।